सर्वे छात्र छात्रा सुप्रभातम् अद्य वयम् अष्टमी कक्षाया तृतीय पाठे डिजी भारतम् अध्ययनं करोमि। डिजी भारतम् मतलब डिजिटल इंडिया। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आजकल या आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य ऐसी चर्चा श्रूयते सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का कः भावः क्या भाव है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता अपि आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काल में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम मौखिक रूप से आसीत होता था। विद्या च श्रुति परम्परायाः गृह्यते स्म। और जो विद्या होती थी उसको सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। अनंतरम तालपत्रोरपि भोजपत्रोरपि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में या उसके बाद तालपत्रोरपि तालपत्र के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरब्ध हुआ या प्रारंभ हुआ। परिवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोरपि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तितानि काले समय के परिवर्तन के साथ कर्गदस्य लेखन्या कागज और लेखनी आविष्कारेण कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषाम् एव सभी लोग मनोगतानां भावानां अपने मन में आए हुए भावों को कर्गदोरपि लेखनं प्रारब्धम् कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। समय के परिवर्तन के साथ साथ जब कागज का आविष्कार हुआ और लेखनी का आविष्कार हुआ तो लोग जो है वो अपनी भावनाओं को कागज पर यानी लेटर थे तार थे उन पे लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुलताय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी कंप्यूटर के आविष्कारेण आविष्कार के बाद तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। जो कंप्यूटर से लिखी हुई सामग्री होती है उसको टंकित बोलते हैं अपन। किसी भी टाइपराइटर होता है उसे टाइप करते हैं, वैसे जो टाइप की हुई सामग्री है वो बहुकाला यानी बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रखी जाती है। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिकों की जो खोज है प्रगति यात्रा उनकी प्रगति की यात्रा है वो पुनरपि दोबारा से या आगे से आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आजकल सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से साधित होते हैं साधे जाते हैं हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। जो अपने समाचार पत्र हैं अखबार हैं वो और अपनी पुस्तकें हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था या काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनेन न्यूनता भविष्यति।
परम संगणकस्य, परंतु संगणक के या कंप्यूटर के अधिकाधिक अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी न्यूनता यानी कमी भविष्यति इति विश्वास है, कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार हो सकता है या होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम, ये वास्तु नहीं है वस्तु है, वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आजकल आपने बाजार या दुकान में जब अपन वस्तु का खरीदते हैं तब रुपयों की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि है सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवंत है। जो अपने डेबिट कार्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड होते हैं एटीएम वगैरह इत्यादि सभी जगह रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं या काम में लिए जाते हैं। वित्त कोष से यानी बैंक में चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। जो अपनी बैंक वगैरह हैं या जो ऑफिस वगैरह हैं आजकल उन सभी में जो कार्य होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। बहुविधा यानी बहुत सारे अनुप्रयोग यानी ऐप्स जो होते हैं अपने मोबाइल फोन में या जो इंटरनेट पे जो ऐप्स होते हैं उनसे मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी पैसों की कैश जो होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। मुद्राहीनाय यानी मुद्रा के बिना, विनिमयाय यानी लेन देन कैशलेस ट्रांजेक्शन सहायका संति सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेलयान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अध्य नास्ति। कुत्रापि कई जगह है या कहीं भी यात्रा करणीया अपन को यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्र यानी जो रेल यान होता है अपनी ट्रेन होती है उसकी जो टिकट होती है वो वायुयान यात्रा पत्र से, वायुयान की जो यात्रा पत्र है टिकट है उसकी अनिवार्यता अध्ये नास्ति आजकल उसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि जो अपनी सभी प्रकार की जो टिकट्स वगैरह हैं वो अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे यानी अपने मोबाइल फोन जो हैं उसमें या अपनी जो ईमेल आईडी होती है उसमें सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकार्येण यात्रायाः आनंद ग्रहणीम चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्ये नानुभूयते। यानी संदृश्य वयम इस संदर्भ में हम सब सौकार्येण जो अपने जो सभी कार्य हैं उनको आसानी से सौकार्येणी आसानी से यात्रायाः यात्रा का आनंदम यानी आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि और जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं अपने चिकित्सालय हैं उनमें उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अध्ये आवश्यकता आजकल न अनुभूयते आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन यानी सभी जगह आजकल कार्ड से पैसे हैं वो काटे जाते हैं। ई बैंक माध्यमेन इन जो ई बैंक की सुविधा है उसके माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते शुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपन हॉस्पिटल्स वगैरह के बिल हैं रेल यात्रा की जो टिकट हैं वायुयान यात्रा की जो टिकट हैं वो सब अपन अपने मोबाइल फोन से ही ई मित्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। तद्दिनम वह दिन नाति दूरम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्रम एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय चल दूरभाष यानी अपने मोबाइल फोन को लेकर
सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधि तुम समर्था, भविष्य में सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। यानी कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम सभी कार्य मोबाइल फ़ोन से ही साधेंगे या मोबाइल फ़ोन से ही कर पाएंगे या करेंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के मतलब अपनी जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक जो होती है बैंक की, चेकबुक होती है, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तक, समाचार पत्राणाम समाचार पत्र, इनकी आवश्यकता भी प्रायः समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो समाचार पत्र वगैरह हैं वो अपन वैसे मंगवाते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं रहेगी। सभी लोग जो हैं अपने फ़ोन पे ही पुस्तकों को भी पढ़ पाएंगे, समाचार पत्रों को भी पढ़ रहे भी हैं और आगे आने वाले समय में पढ़ पाएंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्द कोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका जो अपनी कॉपी होती है, नोटबुक होती है उसकी, और कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और जो अपन नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शब्दकोश का, डिक्शनरी का जो प्रयोग करते हैं नए शब्दों की खोज करने के लिए, जिस शब्द का अपन को अर्थ पता नहीं है अपन डिक्शनरी में खोजते हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी चीज़ें हमें अपने मोबाइल फ़ोन में ही मिल जाएगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शक से मानचित्र से आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से यानी जिस मार्ग को अपन नहीं जानते हैं, रास्ता जो अपन नहीं जानते हैं, उस ज्ञानार्थम उसको जानने के लिए मार्गदर्शक से मानचित्र से मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप्स जो हैं उनके अंदर गूगल मैप पे सभी रास्ते वगैरह दिए हुए होते हैं तो अपन को मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् यह सभी जो अपरिचित रास्तों को खोजना, जो भी है कैशलेस ट्रांजैक्शन है, ये जो अपने टिकट्स वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें हैं वो एकेन एव यंत्रेण एक ही यंत्र के अंदर अपन को प्राप्त हो जाएंगी। साकादि क्रयार्थम साक मतलब जो सब्जियां वगैरह हैं, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल वगैरह खरीदने के लिए, जो सब्जियां खरीदते हैं अपन, फल खरीदते हैं उसके लिए अपन को पैसे देने पड़ते हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। सब फोन से जो फोन पे है, ऐसी कई ऐप हैं उनके अंदर अपने आप पैसे हैं वो अगले के पास पहुंच जाते हैं। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम जो विश्राम गृह अपने होटल वगैरह हैं या जो धर्मशाला वगैरह हैं जहां अपन अपना कमरा बुक करते हैं, कक्षम सुनिश्चितम यानी जो कक्ष अपन बुक करते हैं या निश्चित करते हैं। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम और जो हॉस्पिटल्स में जो अपन बिल प्रदान करते हैं या देते हैं उन सभी, ये सभी भी इसी एक यंत्र के माध्यम से दिए जाएंगे। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम जो अपने स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, उनकी फीस भी इसी के माध्यम से दी जाएगी। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम डिजी भारतम इति अश्याम दिशि वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्र सराम है। और जो अधिक क्या दान भी देने के लिए, मतलब जो लोग दान करते हैं वो ऐसे पैसे दान करते हैं तो उनको भी वैसे पैसे दान करने की जरूरत नहीं होगी, वो भी चल दूरभाष यंत्र जो अपना मोबाइल यंत्र है उससे दान कर पाएंगे। डिजी भारतम इति डिजिटल भारत इस
अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम भारतीया, हम सब भारतीय द्रुत गत्या अग्रे सराम है, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।